हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है, जिसमें आज हम आपको बताने वाले हैं पेट में दर्द है, गैस है, एसिडिटी है, कब्ज है, अफारा है, सबको खत्म करने का एक ऐसा रामबाण घरेलू नुस्खा जो बहुत ही ज्यादा असरदार है। पहली बार में ही आपको इससे आराम मिलेगा और सबसे खास बात यह है कि आपके घर में रखे हुए सामान से आप इसको बना सकते हैं बिल्कुल शुद्ध देसी तरीके से, और जिससे आपको कोई नुकसान नहीं होगा। आप अपने छोटे बच्चों को भी दे सकते हैं, बड़े बुजुर्गों को भी दे सकते हैं, सभी के लिए इफेक्टिव है और 100% ये असरदायक है। आपके पेट की सारी बीमारियों को खत्म करेगा। पेट में गर्मी है, बहुत ज्यादा गैस है, उल्टी जैसा मन करता है, जी मचलाता है, सारी प्रॉब्लम को ठीक कर देगा। तो इसमें सबसे पहले चीज जो हम लेंगे फ्रेंड्स वो है 1 चम्मच जीरा। तो जीरा भी आपको आपके रसोई घर में बड़ी आसानी से मिल जाएगा, तो हमने 1 चम्मच जीरा लेना है। नेक्स्ट इसमें आपको लेना है आपके घर में जो होती है सौंफ, ये देखिए इस तरीके से सौंफ होती है। सबकी क्वांटिटी मैं आपको बताऊंगी और सबकी क्वांटिटी कितनी कितनी लेनी है, तो वीडियो को इसीलिए पूरा देखिएगा लास्ट तक, ताकि आप इसको अच्छे से समझ सकें और इसको अपने घर पर बना सकें। तो हमने 1 चम्मच जीरा लिया है, 1 चम्मच सौंफ ली है, दोनों की क्वांटिटी जो है बिल्कुल मात्रा जो है बराबर ली है। और इसके बाद हमें लेना है अजवाइन। अजवाइन के फायदे तो आप जानती हुई हैं, ये हमारे खाने को स्वादिष्ट बनाने के साथ साथ हमारे पेट में गैस है, एसिडिटी है, उसको खत्म करती है, साथ ही हमारे पेट दर्द को भी खत्म करती है। अजवाइन बहुत ज्यादा फायदेमंद होती है हमारे पेट के लिए। तो हमने 1 चम्मच अजवाइन लेनी है, 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच सौंफ, ये तीनों चीजें हमारी हो चुकी हैं। इसके बाद में आपको इसमें लेना है कसूरी मेथी, ये आपको इस तरीके की मिल जाएगी। तो मेथी जो है बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होती है, हमारे खाने को बहुत ही अच्छा स्वाद देती है और इसकी खुशबू जो है खाने में बहुत ही लाजवाब आती है। तो हमें 1 चम्मच सूखी मेथी लेना है, यानी कि कसूरी मेथी के नाम से ये आपको आसानी से मिल जाएगी। इस तरीके से हमने बाउल में सारी चीजों को डाल लिया है। अब इसमें आपको लेना है काला नमक। तो काला नमक हम इसमें अपने स्वाद के अनुसार ले लेंगे, यानी कि टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो हमने 1/2 चम्मच के करीब लिया है इसमें काला नमक। और अब इसमें हम लेंगे जो दोस्तों आपके घर में खाना सोडा होता है ना, जिसको हम मीठा सोडा बोलते हैं, वो चम्मच का चौथाई हिस्सा लेंगे, ज्यादा नहीं लेंगे। इसको आप अपने फुलके, इडली, डोसा वगैरह बनाने में डालते हैं, ये वही है। ये आपके पेट से गैस को, कब्ज को, एसिडिटी को बहुत ही अच्छे से खत्म करेगा। पेट तो बहुत ही अच्छे से साफ हो जाएगा आपका इस नुस्खे के इस्तेमाल से। तो चलिए इसको देख लेते हैं आपको इसको अब अगला काम करना क्या है। तो अगला काम आपको करना ये है कि मिक्सी का जार लेकर के आपको ये सारी चीजें इसमें डाल लेनी है जो हमने मिलाई थी, और इसको आपको पीस लेना है मिक्सी में डाल करके। तो हम इसको पीस कर लाते हैं, फिर अगला बताते हैं आपको करना क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने इसको पीस लिया है और आप इसको एक बार बना करके रख लेंगे तो ये आपके महीनों काम देगा। आप किसी भी एयर टाइट शीशी में बंद करके रख लीजिए और ये बहुत ही बढ़िया है। हमारे पेट में गैस नहीं बनेगी, अपच नहीं होगी, खाना बहुत अच्छे से हजम होगा, साथ ही साथ पेट में मरोड़ है, ऐठन है, पेट दर्द है, सब ठीक कर देगा ये घरेलू नुस्खा। और इसको लेना कैसे है चलिए वो देख लेते हैं। तो इसके लिए आपको लेना होगा 1 गिलास सादा पानी। इस तरीके से पानी को आप ले लीजिए और उसके बाद में अगर आप बड़े हैं तो आपको 1 चम्मच लेना है और इसको फांक लेना है, ऊपर से आप इस पानी को पी लीजिए। सुबह में नाश्ते के बाद ये ले लीजिए, रात को खाने के बाद यानी कि डिनर करने के बाद आप ये ले लीजिए। यदि आप अपने बच्चों को दे रहे हैं तो बच्चों को चम्मच का चौथाई हिस्सा दीजिएगा, और इसी तरीके से सेम आपको ये देना है, ऊपर से पानी पिला देना है छोटे बच्चों को, उनका भी पेट अच्छे से साफ रहेगा, पेट में कभी गैस नहीं होगी, कब्ज नहीं होगी, खाना बहुत ही अच्छे से हजम होगा, यानी कि आपका डाइजेशन सिस्टम जो है बहुत बढ़िया रखेगा। ये चूरन जो है घरेलू है और बिल्कुल देसी है, ये दादी नानी के जमाने का घरेलू नुस्खा है। पुराने जमाने के लोग इसी तरीके से अपने चूरन बना करके रखते थे, आज भी रखते हैं, हमारे घर में रखा जाता है। आप इसको बना करके रख लीजिए, फिर इसको खा के देखिए, आपको पहली बार में ही कितना आराम मिलेगा, आपका पेट इतना हल्का हल्का हो जाएगा, सॉफ्ट होगा, मुलायम होगा, पेट तो बहुत ही अच्छे से सुबह में साफ होगा। तो कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ।